गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड पार्ट है उसका। हाँ जी, तो हम ऊपर आए थे, अब हम ऊपर आके आपको दिखाते हैं बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग। तो आपको चलो पेंटिंग दिखाते हैं। सेकंड फ्लोर है गाइस, सेकंड फ्लोर है और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे। चलो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखो गाइस, अब ये जो वासुदेव जी थे, कान्हा जी को यशोदा माँ को देने गए थे। अब ये देखो, अब ये वो सीन है जब वो बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। अब आगे चलते हैं और सामने ही आपको एक, पहले ये जो कान्हा जी मटकी तोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, वो वाला सीन है सर गाइस। अब आगे चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। ये बताना गाइस कौन सा सीन है, कमेंट में आप सब बताना। और ये गाइस, जब कृष्ण जी ने पर्वत को उठाया था, जब वो बारिश हुई थी, तूफान बिजली कड़की थी, तब की बात, तब है ये। और जब पवन देवता थे, जो वो नाराज हो गए थे। और ये काला नाग, जब वो नृत्य किया था उनके ऊपर, जब इनकी बॉल एक नदी में गिर जाती है तो वो उनको लेने जाते हैं, तो काला नाग इनसे नाराज हो जाता है, वो वाला सीन है सर गाइस ये। और ये यहाँ पे रास रचा रहे हैं राधा जी के साथ, और सभी ये साइड में इन्हीं का रूप है, चारों तरफ ही ये है। और ये देखो, कंस मामा का वध करते हुए, कृष्ण जी कंस मामा का वध करते हुए यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने। और आगे आपको दिखाते हैं, और वो बलराम है जो साइड में खड़े हुए हैं। अब ये बताओ गाइस, ये कितना सुंदर वो है सीन, राधा जी का और कृष्ण जी का। और ये कृष्ण जी ज्ञान देते हुए, और उसके बाद हम फिर उसी रास्ते से चल रहे हैं जहाँ ये सीन था। और उसके दूसरी साइड में आपको दिखाते हैं क्या है। उसके दूसरे साइड में यहाँ पे वो जो यज्ञ करते हुए जो महापुरुष थे, वो यज्ञ कर रहे हैं। और उसके बाद अब आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ पे गणेश जी है। ये सीन का मेरे बारे में पता नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिखाएंगे युद्ध करते हुए, जो युद्ध चल रहा था उसका सीन है। और ये भी युद्ध का सीन है गाइस, जब युद्ध चल रहा था महाभारत का। और फिर उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। ये पूरी जो उनका महल था वो जल चुका था, वो सीन है। और आगे चलेंगे अब हम। ये वो सीन है गाइस, जब पानी में से मछली की आंख में तीर मारा था अर्जुन ने, जो वो उनसे द्रौपदी से शादी हुई थी उनकी। ये वो सीन है गाइस। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। गाइस, उसके बाद ये आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सबको लगभग महाभारत का पता है, पूरी हिस्ट्री का पता है उसकी। और मेरे को कुछ भी आपको एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख के समझ ही जाओगे कि कौन ये कौन सा सीन है, हर एक सीन आपको पता ही है। तो उसके बाद
बाद हम नीचे जा रहे हैं, शायद उसके बाद एग्जिट ही है गाइस, हम नीचे जाएंगे। हाँ उसके बाद एग्जिट नहीं है शायद, इसके बाद कुछ और भी होगा। चलो देखते हैं, चल के आगे चलते हैं। अब हम क्या आएगा उसके बाद आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। अब हम चलेंगे नीचे। ओ अच्छा, ये रथ जिन जो युद्ध में युद्ध किया था इन्होंने रथ में, वो रथ है इनके ये। अब आपको दिखाते हैं, काफ़ी सारे रथ है ना ये गाइस। इस कृष्ण संग्रहालय के अंदर इतना बड़ा कृष्ण जी की मूर्त बनी हुई है ना, बहुत बड़ी है, शायद 2-3 फ्लोर्स जितनी होगी है। और ये रथ है उनके, 2-3 जितने भी रखे हुए थे, 3 रखे हुए थे, तो ये 3 रथ हैं। और आपको आगे चल के दिखाते हैं हम आगे क्या है। ये सीन बहुत अच्छा गाइस, इसको देख के ना ऐसा लगता है कि हम रियलिटी की उसमें आ गए हैं। बहुत मतलब सारी याद देख के ताज़ा हो जाती है। मेरे को तो बहुत शौक है महाभारत रामायण देखने का, बहुत शौक है गाइस। अब हम आपको देखो यहाँ से भी दिखेगा, ये 3 फ्लोर से दिखता है, ये यही स्टैचू सेम 3 फ्लोर है इसके, और 3 फ्लोर से दिखता है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं क्या है ये। यहाँ पे तो आयाना के बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अंधेरा भी था और इनको जितने भी स्टैचूज रखे हैं इनको देख देख के वो डर रहा था। अच्छा गाइस, ये वो है जो चक्रव्यूह था, कृष्ण जी ने चक्रव्यूह था ना जो अर्जुन ने वो किया था उसका, शायद मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं है, पर ये भूल भुलैया सी बनी हुई है। और यश तो यहाँ पे ना भाई बार बार कंफ्यूज हो रहा था, जिस रास्ते से जा रहा था बार बार उसी रास्ते से आ रहा था, वो काफ़ी लेट आया था, हम तो चले गए थे, हम निकल गए थे, वो कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। अब आपको दिखाते हैं आगे चल के ये भूल भुलैया कैसी है। और इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था, कहीं कहीं रोशनी थी कहीं अंधेरा था। अब आपको देखने को मिलेगा, आगे तो अंधेरा ही है मेरे ख्याल से, तो अब अंधेरा भी आएगा आगे। यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो गई थी, यहाँ पहले तो हम इसके पीछे चल रहे थे, ये दूसरे रास्ते चला गया था, फिर हम दूसरे रास्ते चले गए। यहाँ से भी देखो कितना बड़ा दिखता है गाइस। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके पीछे ही, भाई कंफ्यूज हो गया था, ये दूसरे रास्ते से चला गया था बाद में, और हम दूसरे रास्ते से चले गए थे, अब मैं इस रास्ते से चली जाऊँगी, वो कन्फ्यूज़ हो गया था, बार बार एक ही जगह से घूम रहा था, बार बार एक ही जगह पे आ रहा था। और आगे बहुत अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा, जिसमें कि पीछे मेरे तन्नु थी, तन्नु भी बहुत वो अयान था जो वो डर रहा था। और उसके बाद देखो ये सीन युद्ध का, बाकी उसके बाद ये सबसे नीचे हम जो इसके पास आ गए। अब ये देखना आप जो 3 फ्लोर से दिखता है, ये सारी सीनरी दिखेंगी लास्ट की जो सीन होते हैं वो महाभारत के, क्योंकि यहाँ एग्जिट गेट है गाइस, एग्जिट गेट है ये सामने, यहाँ पे सब ये महाभारत के लास्ट सीन देखने को मिलेंगे पिक्चर में। फिर आपको आगे दिखाते हैं हम बाहर से कैसा व्यू है इसका। और गाइस बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं, ये एग्ज़िट है यहाँ का, तो हम बाहर ख़त्म, अगर कुछ नहीं है बाहर आ गए। ये सामने म्यूज़ियम दिख रहा है आपको, और हम अभी इधर से चलेंगे। बहुत गर्मी थी, बच्चे बोल रहे कि पानी पीना, फिर अब इनको पानी पिला रहे हैं यहाँ पे। और फिर अब हम उसके बाद बाहर चल रहे हैं, हमने सोचा चलो आइसक्रीम खाते हैं। ये भी दूसरा उसका गेट है, एग्ज़िट का ही था, ये बंद कर रखा था फिलहाल। और उसके बाद बच्चे बोले कि आइसक्रीम खानी है, तो हम ये सोच रहे थे यहाँ रुक के खाएं या नहीं खाएं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और बच्चे भी परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा चलो हम पहले गाड़ी में चलते हैं। ये देखो कितना प्यारा वो था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ थी। हम यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठ गए, फिर उसके बाद हम चलो रास्ते से ही खाने की सोच रहे थे कुछ। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आई होप आप सबको अच्छा ही लगा होगा ये व्लॉग। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी दिल से थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना मत भूलना,
थैंक यू, अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है, सोचा हम चलो कुछ खाते हैं, तो प्लान कैंसिल हो गया था यहाँ पे गाइस। हमने सोचा चलो घर कुछ सामान ले लेते हैं, घर पे ही जाकर खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू।